हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकोन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सेवेंथ क्लास सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 6। और इसके लेखक के यतीश अग्रवाल, और लेसन का नाम है रक्त और हमारा शरीर। रक्त, खून और हमारा शरीर, इसके बारे में जानकारी दी गई है इस पार्ट में। ये एक निबंध है, पार्ट निबंधात्मक पार्ट है, जो दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या है इसमें जो बालिका है छोटी, वो क्या है, अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वो शुरू से ही कमजोर है, और यूं तो वो कैसी है, शुरू से ही कमजोर है, दुबली पतली है। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है, कमजोरी महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, और मन जब इंसान शरीर से सही नहीं रहेगा तो उसका किसी काम से मन नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है और उसे भूख भी नहीं लगती। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, और जैसे उसको अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टर ने देखा और कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। और डॉक्टर ने देख कर कहा कि इसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। और इसके लिए जांच कराते हैं और फिर हम देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। यह कहकर डॉक्टर साहब ने जो पास के कमरे में खून की जांच के लिए भेज दिया, वहां अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। और जो अनिल था उसका बड़ा भाई, उसकी जान पहचान की जो दीदी थी, डॉक्टर दीदी, वो वहां थी, वो दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। तो जानती थी वो दीदी उनको, तो बोला कि कैसे आना हुआ आपका। अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। और अनिल था, उसने बताया कि जो मेरी छोटी बहन है दिव्या, उसको डॉक्टर ने खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशे में डाल दी। और इतना सुनते ही क्या क्या डॉक्टर जो दीदी थी, वो दिव्या की उंगली, जो हाथ की उंगली होती है, उससे रक्त की बूंदे छोटी सी शीशे में डाल दी। जब हमारे रक्त की जांच की जाती है खून की, तो ऐसा ही होता है, और स्लाइड पर लगा दी। और एक जो कांच की जो स्लाइड होती है उस पर उसको लगाया जाता है, फिर जाके खून की जांच की जाती है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और इसके लिए क्या बोला कि कल आना और ये रिपोर्ट आएगी, जांच होकर फिर इसको लेके जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। और अगले दिन वो अस्पताल गया, डॉक्टर दीदी का जो कमरा था जिसमें वो बैठती थी, उसमें दस्तक दी, अर्थात वहां उपस्थित हुए। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया और भीतर से आवाज आई कि आ जाओ, और किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। और वहां गया तो क्या हुआ कि जो डॉक्टर दीदी थी वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, उसके किसी भी चीज की बारीकी से देखने के लिए, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, और उसके लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है, मशीन की जरूरत पड़ती है, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, बारीक कणों को देखने के लिए। स्लाइड की जांच कर रही थी, अर्थात वो खून की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वो पास रखे एक कुर्सी पर बैठ गया, और वो जांच कर रही थी इसलिए बोली नहीं, और इशारा किया कि कुर्सी पर बैठ जाओ। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए, और जांच खत्म होने के बाद क्या किया, साबुन से हाथ धोए, तौलिए से पोंछती हुई बोली, और तौलिया जो होता है उससे हाथ पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। और अनिल ये दिव्या है, उसको क्या है, एनीमिया, एक जो रोग होता है खून की कमी के कारण। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगा, और ज्यादा भयानक नहीं होता। कुछ दिन अगर हम इसकी दवाई ले या फिर जो पौष्टिक आहार ले तो ये सही हो जाता है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। और अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, अर्थात जानने की इच्छा हुई इसके बारे में कि एनीमिया क्या होता है। तो वो बोलता है कि मैं एक सवाल पूछूं, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। और डॉक्टर दीदी ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, पूछो जो पूछना। एनीमिया से आपका क्या मतलब है, अर्थात एनीमिया से आपका क्या मतलब है, उसने पूछा। उसने जानने की कोशिश की कि ये होता क्या है, इसका क्या अर्थ है। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा,
और इसके बारे में जानने के लिए तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा फिर बोली, डॉक्टर दीदी ने कहा फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। तो बोला कि अनिल देखने में रक्त क्या है, लाल द्रव की तरह दिखाई दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। लेकिन अगर हम देखने में तो रक्त कैसा दिखाई देता है, लाल धर्म पदार्थ के समान दिखाई देता है, किंतु अगर इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाए तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा अर्थात अनेक विचित्र चीजें, एक ही चीज में अनेक विचित्र चीजें दिखाई देना। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, और मोटे तौर पर इसके क्या है, दो भाग में होते हैं। एक भाग वो जो तरल है, एक भाग तो वो होता है जो तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, अर्थात जो ठोस पदार्थ होता है, ठोस द्रव होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं, जो गाढ़ा घोल होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वो जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, और दूसरा वो होता है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, बारीक, कुछ लाल, कुछ सफेद, और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। और खून में भी कुछ कण तो सफेद होते हैं, कुछ लाल होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं है, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं, और जिनका रंग नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, और ये कण क्या करते हैं, प्लाज्मा होते ठोस द्रव पदार्थ गाढ़ा घोल होता है उसमें ये तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। इतना कहते हुए जो डॉक्टर दीदी थी उसने क्या, जो सूक्ष्मदर्शी था उसके नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया अर्थात उसको देखा, और बोली देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण है, अर्थात ये जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा हम जिन कणों को देख रहे हैं वो क्या है, लाल रक्त कण है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था, और जैसे उसने स्लाइड देखा, जो जानकारी रहती है वही जानते, अपन लोग नहीं जान पाते क्योंकि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो समझते हैं इसके बारे में। तो क्या हुआ कि जैसे उसने देखा तो वह उछल पड़ा, अनिल रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, कि रक्त की एक बूंद है उसमें इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता, और इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वो बोला इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो, और ये जो चित्र में भी दिखाई दे रही है इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे बालूशाही मिठाई होती है उसकी तरह होती है, गोल गोल चपटे आकार में, तो वो कण कैसे नजर आ रहे थे, जैसे बालूशाही मिठाई होती है उसकी तरह। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते, और ये जो लाल कण होते हैं इनकी बनावट ऐसी होती है बालूशाही की तरह, गोल और दोनों तरफ अवतल, और गोल और दोनों तरफ अवतल चपटे होते, यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में, और रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हम 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। अगर हम 1 मिलीलीटर रक्त लेते हैं तो उसमें हमें कितने ये मिलते हैं, 40 से 55 लाख कण मिलते हैं, इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है, और यही कारण है जिससे हमें रक्त का रंग लाल नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं, और ये जो कण होते हैं यही हमारे शरीर के लिए रात दिन काम करते हैं, कार्य करते हैं। सांस लेने में साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो और सांस लेने में साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है, और उसे क्या है, शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही, अर्थात ये कण ही उनको पहुंचाते। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, और इन कणों का जीवन काल कितना होता है, 4 महीने में, फिर ये नष्ट हो जाते फिर बनते। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते, लेकिन एक साथ नहीं धीरे धीरे, लेकिन ये एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे होते, कुछ आज कुछ कल और कुछ अगले दिन, कुछ आज हो जाते कुछ कल हो जाते और कुछ अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। तब अनिल कहता है कि हो सकता है कुछ महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा।
यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। और ये बात सुनकर जो डॉक्टर दीदी थी वो मुस्कुरा उठी, अर्थात उसको हंसी आ गई। नहीं ऐसा नहीं होता, तो वो बोलती नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। शरीर में, हमारे शरीर में हर समय नए कण, पहले वाले नष्ट होते हैं तो दूसरे बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। और जो नष्ट कण होते बेकार हो जाते उनका स्थान ले लेते। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते, और जो हमारी हड्डियों के बीच का भाग है मज्जा, उसमें बहुत से कारखाने अर्थात बहुत से कण बनाने के कारखाने से मतलब मशीनें होती है, फैक्ट्रियों जैसे होते हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर में भी बहुत सारी ऐसी मशीनें जो उनको बनाती रहती है, जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते, जो रक्त कणों के निर्माण उनको बनाने का कार्य करते रहते। इनके लिए इन कारखानों में प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। और जिस तरह फैक्ट्रियों में कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारे शरीर का जो कारखाना है उसमें भी प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, अर्थात हमारे शरीर के लिए भी पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ती है। ये पौष्टिक आहार लेते ही हरी सब्जी, ये पौष्टिक आहार लेते हो, ये पौष्टिक आहार अगर हम लेते हैं, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। और हरी सब्जी होती है पत्तेदार, और फल होते हैं, दूध होता है, अंडा होता है, और जो गोश्त होता है मांस, वो तत्व उपयुक्त मात्रा में होते, अर्थात इनमें उपयुक्त मात्रा में ये तत्व होते। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, अरे यदि कोई व्यक्ति होता है वो उचित आहार मतलब ये सभी चीजों को ग्रहण नहीं करता है, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, और इन्हीं के अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, अर्थात तो उसके शरीर में पोषक तत्व नहीं जाते। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं कण बन नहीं पाते, और नतीजा क्या होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं, और जो लाल कणों की ये कमी होती है इसी को क्या कहते हैं, खून की कमी को ही एनीमिया क्या कहा जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं, तो वो बोलता है क्या अगर हम संतुलित भोजन लेंगे तो उससे क्या एनीमिया से बच सकते हैं, अनिल ने सवाल किया था। दीदी बोली हाँ ये कहना काफी हद तक सही होगा, और तो दीदी ने जवाब दिया हाँ ये कहना काफी हद तक सही है, यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता, यूं तो वैसे तो एनीमिया बहुत कारण होते हैं उनसे हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। लेकिन जो हमारा देश है इसमें इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, पौष्टिक आहार की कमी, अर्थात संतुलित भोजन न लेने के कारण ही एनीमिया होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना, और दूसरा कारण क्या है, पेट में कीड़ों का हो जाना अर्थात पेट में कीड़े पड़ जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और पेट में कीड़े कैसे होते हैं, जैसे दूषित जल, गंदा जल पीने से, खाद्य पदार्थों और जो दूषित भोजन होता है सुबह शाम का जो भोजन होता है उसको खाने से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात ही हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है हमें पूरी तरह सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, अर्थात हमें एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पूरी तरह से साफ सफाई से अपना भोजन बनाना चाहिए और उसे खाद्य पदार्थ को बने हुए भोजन को ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए, और सबसे पहली बात है कि भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए, अपने हाथों को अच्छी तरह हाथ धो ले और साफ पानी भी पिए, और पानी हमेशा साफ पानी पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी है और एक किस्म के कीड़े भी है जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते, और जिनके अंडे क्या है जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते। और एक दूसरा कारण यह है कि हमारी जमी है उसके ऊपर एक किस्म के कीड़े होते हैं, एक अलग नस्ल के, वो क्या करते हैं जमीन के ऊपरी सतह पर रहते हैं अर्थात ऊपरी परत पर रहते हैं। ये अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे अर्थात इन अंडों से जो लार्वा लिक्विड टाइप निकलता है वो हमारी त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो हमारे शरीर की जो चमड़ी होती है उसके माध्यम से वो अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं,
और आंतों, जो हमारी आंत होती है अपना घर बना, और वो सबसे पहले किस पर वो करते हैं हमारे शरीर में, आंत में, आंत होती है उनमें घर बना लेते हैं, अर्थात वो अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है, और इनसे बचने का सहज उपाय क्या है, सोच के लिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, और इसके लिए सबसे बड़ा काम यह है कि सोच के लिए हमें नित्य क्रिया के लिए जो भी उसको हम शौचालय का उपयोग करें, अर्थात हमें शौचालय में ही करना चाहिए, इधर उधर नंगे पैर ना घूमे और बाहर नहीं करें, और नहीं हम अगर बाहर घूमते हैं तो नंगे पैर बिना चप्पल के नहीं घूमना चाहिए। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए, तो वो कहता है दीदी ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अनिल बोला, वो पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला और कुछ पल सोचने लगा, फिर बोला आपने बताया कि रक्त में सफेद कण है, और वो पूछता है कि आप बता रही हो मेरे को कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, कि सफेद कण और बिंबाणु होते हैं शरीर में, उनका क्या काम है, कि शरीर में वो हमारे लिए क्या काम करते हैं, इसके बारे में भी आप मुझे कुछ बताइए। तो दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है, और ये जो सफेद कण होते हैं वो हमारे शरीर के क्या है, वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, और ये शरीर जो सफेद कण है वो क्या करते हैं, जब कोई रोगाणु हमारे शरीर पर हमला करता है अर्थात हम बीमार होते हैं, तो उनसे वो सफेद कण डटकर मुकाबला करते हैं, अर्थात उनसे वो मुकाबला करते हैं, और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते, और जहाँ तक संभव होता है तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर उन रोगाणुओं को, रोग होते हैं उनको घर नहीं करने देते, अर्थात उनको जमने नहीं देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वो बहुत ही रोगों से हमारी रक्षा करते, और बहुत ही छोटे बारीकी से समझ लो ये है कि ये जो होते हैं सफेद कण, ये हमारे शरीर में रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना, और जो बिंबाणु होते हैं वो क्या करते हैं, जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो उसको रक्त को जमाव क्रिया में मदद करना, अर्थात रक्त का को जमाने में मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है, और जो रक्त का प्लाज्मा होता है उसमें एक विशेष किस्म का क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है, और जो हमारी रक्त वाहिका है, रक्त जिसको पहुँचाती है शरीर में, वो कटी फटी दीवार होती है अंदर से मकड़ी के जाले, जिस प्रकार मकड़ी जाला बुन देती है बिंबाणु उसी जाले में चिपक जाते हैं, और ये बिंबाणु क्या होते हैं, उसी जाले में चिपक जाते हैं, इस तरह दीवार से आई दरार भर जाती है, और इस तरह से जैसे हमारे शरीर पर चोट लगती है तो दरार आती है, तो वो इन बिंबाणुओं के चिपक जाने से वो दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है, यही कारण है जिससे हमारे शरीर पर लगने पर कुछ समय बाद रक्त बनना निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है, और अगर किसी के घाव गहरा हो जाता है तो क्या वो खून बहता ही चला जाता है? हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और ऐसे समय में क्या करना चाहिए, जिसको भी चोट लगी उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर घाव ज़्यादा गहरा हो तो वहाँ क्या किया जाता है, टांके भी लगाए जा सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास पहुँचने के पहले हम अपना घरेलू उपाय करना चाहिए कि जिस स्थान पर चोट लगी है उसे कसकर एक साफ कपड़ा, धुला हुआ साफ सुथरा कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, और वो जो कपड़े का दबाव पड़ता है तो उससे क्या होता है, रक्त का बहना कम हो जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। और इससे क्या होता है, जो भी व्यक्ति है जिसको चोट लगी वो काफी लाभप्रद सिद्ध हो जाता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए और अगर बहुत ही ज्यादा खून बह जाता है तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्यों ऐसे समय में किसी की व्यक्ति का खून काम आ सकता है, कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून एक दूसरे को काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, और हर व्यक्ति का रक्त एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है,
कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को चार मुख्य वर्गों में बांटा है, और हमारे रक्त को कुछ विशेष वर्गों रक्त के चार मुख्य वर्गों में चार मुख्य भागों में बांटा है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के लिए उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, और जिसको जरूरत पड़ती है उसको उसी रक्त समूह, अलग अलग रक्त समूह होते हैं अपने, तो उसको उसी रक्त समूह का खून चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले तो, और अगर किसी को जरूरत पड़ी है, चोट लगी है और उस टाइम वो नहीं मिला, तो फिर क्या हो इसके बारे में। ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए, और ऐसी आपात स्थिति के लिए क्या करा है, ब्लड बैंक बनाए, जहाँ पर खून को सुरक्षित और इकट्ठा करके रखा जाता है आपात स्थिति में। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, और प्राय ऐसे बड़े जो अस्पताल होते उनमें इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, जहाँ पर सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे, और ये रक्त हमेशा यहाँ पर भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए क्या करना चाहिए, समय समय पर हमें रक्तदान करना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा। तो अनिल पूछता है कि दीदी क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, नहीं अभी तुम छोटे हो। तो दीदी बोलती है नहीं तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम अभी छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते, और रक्तदान कौन कर सकता है, 18 वर्ष से अधिक उम्र का और वो भी स्वस्थ, जिसको कोई रोग ना हो वो व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता, और एक समय में 300 मिलीलीटर के समथिंग जो रक्त लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, और लोगों की क्या सोच है कि ये समझते हैं कि रक्तदान करने से क्या होता है, कमजोरी आती है, किंतु विचार बिल्कुल निराधार, लेकिन ये विचार बिल्कुल ही गलत है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हमारे शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, और हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, और वैसे भी हमारे शरीर में लगभग कितना, 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और अगर हमारे शरीर में 5 लीटर खून है और उसमें से अगर किसी व्यक्ति का जीवन दान मिल जाए, इसको उसको नई जिंदगी मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, अर्थात हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो गई। दीदी समझाते हुए बोली, दीदी उससे समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान क्या करूँगा। तो अनिल बोलता है कि फिर तो मैं ऐसा करता हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो नियमित रूप से समय समय पर रक्तदान क्या करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, और डॉक्टर दीदी ने यह बात सुनकर उसको शाबाशी दी, अर्थात उसको धन्यवाद दिया और उसकी पीठ थपथपाई। क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त के दबाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, अर्थात रक्त के दबाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है, रक्त के दबाव को रोकने के लिए सबसे पहले तो जो साफ कपड़ा होता है उसको, रक्त जहाँ से खून बह रहा है उसको कसकर बांध देना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा कपड़े को कसकर बांध देना चाहिए, और दबाव पड़ने से रक्त का बहना बंद हो जाता है, अर्थात जब हम कपड़ा बांधेंगे तो उससे रक्त पर, उस पर दबाव पड़ेगा और वो रक्त बहना, खून बहना बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, भानुमति का पिटारा क्या है, एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु में अनेक विचित्र वस्तु होना, अर्थात ये कि वस्तु में अनेक विचित्र वस्तुओं का छिपा होना। रक्त के ऊपर से तो एक लाल रंग का द्रव दिखाई देता, और जब रक्त को हम देखते हैं खून को, तो उसके ऊपर क्या है, एक लाल रंग का द्रव दिखाई देता है, गाढ़ा घोल नजर आता है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर उसमें अनेक विचित्र वस्तु दिखाई, और जैसे हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो उसमें अनेक विचित्र वस्तुएं दिखाई देती है, इसलिए रक्त को भानुमति का पिटारा कहा है, और यही कारण है जिससे रक्त को क्या कहा है, भानुमति का पिटारा कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, एनीमिया से बचाव के लिए हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए। तो इसका उत्तर है, एनीमिया से बचने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त आदि आहार में लेना चाहिए। भोजन बनाने से पहले साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, शौच के लिए खुले में नहीं जाना चाहिए तथा नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा सकता है, कि हमारे पेट में कीड़े कैसे पड़ जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इसका उत्तर है, पेट में कीड़े दूषित भोज्य पदार्थों के सेवन से हो जाते हैं। पेट में कीड़े क्या होते हैं, जो दूषित होता है, जो दूषित भोजन होता है, जैसे शाम का भोजन सुबह करना या बहुत लंबे समय का उसको खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे सेवन करने से, उससे खाने से बचना चाहिए, अर्थात ये दूषित भोजन करने से बचना चाहिए और पूरी सफाई के साथ बनाए गए खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए और साफ सुथरे बर्तनों में साफ सुथरे हाथों से बनाए हुए भोजन को ही खाना चाहिए। भोजन में पहले हाथ अच्छी तरह धोनी चाहिए और भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए, हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, अर्थात साफ पानी पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है, रक्त के जो सफेद कण हैं उनको वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, रक्त के सफेद कण बाहर से शरीर में प्रवेश करने वाले रोगों का सामना करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। जो रक्त में सफेद कण होते हैं, जो बाहर से जो रोग होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उनको वो शरीर में जाने से रोकते हैं और पहुंचने के पहले उन्हें क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार बहुत से रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करते हैं, इस प्रकार क्या करते हैं, बहुत सारे रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इसी कारण ने शरीर को शरीर के वीर सिपाही कहा गया है और यही कारण है, इसलिए रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। तो ब्लड बैंक में विभिन्न वर्गों का रक्त संग्रहित रहता है, अर्थात ब्लड बैंक होता है उसमें विभिन्न वर्गों का रक्त है वो रहता है, इकट्ठा रहता है। ये रक्तदान करने वाले व्यक्ति से प्राप्त होता है और ये रक्त कहाँ से आता है, जो हम जैसे लोग रक्तदान करते हैं उनसे ये हमें मिलता है। जब किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, उसके वर्ग का रक्त ब्लड बैंक में मिल जाता है, अर्थात इसलिए इकट्ठा किया जाता है कि किसी आपातकालीन स्थिति में अगर किसी को रक्त की जरूरत पड़ जाती है तो हम उस ब्लड बैंक से उसको रक्त चढ़ा दें और उसके जीवन को बचा लें, जिससे रोगी का जीवन दान प्राप्त हो जाता है। इसलिए ब्लड बैंकों में रक्तदान करना बहुत ही पुण्य का काम है, इसलिए सब जो भी हो सबको रक्तदान करना चाहिए, जिससे किसी दूसरे की जिंदगी बच सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांस लेने पर शुद्ध वायु में जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है, अर्थात हम जो सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में, हर भाग में कौन पहुंचाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, सफेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े। तो इसका उत्तर है लाल कण, इसका उत्तर क्या है, लाल कण। तो ये पूरे इसमें 7 क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।